Subscribe to Filmfare and press the bell icon. फिल्म तो अच्छी है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट है पिक्चर का, कैसे क्या किया लास्ट तक, तो मतलब बहुत सारा इसमें डेप्थ है फिल्म में और अच्छी लगी, एक एक्सपेरिमेंट फिल्म है, नई तरीके की फिल्म है और अच्छा लगेगा। देख क्या कहना बहुत ही अच्छी फिल्म, एक्सपेरिमेंटल मूवी थी, नए कॉन्सेप्ट बनी थी, काफ़ी अच्छा लगा। अलग अलग करेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मूवी चल रही थी, तीन चार सेगमेंट में था, तो बहुत ही शानदार था, बहुत ही बेहतरीन था। साथ ही में यू नो तापसी पन्नू जिन्होंने पहले भी बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, तो उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन बढ़ सी जाती है, तो क्या उन एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया और जो मेहनत की है वो दिखता भी है। अगर एक एक्टर के तौर पर, अभिनेता के तौर पर आप मेहनत करती हैं तो वो दिखता है, तो वो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, सभी एक्टर्स ने अच्छा किया है, करेक्टर्स का चुनाव बहुत ही अच्छा था और बेहतरीन लगता है, शायद पार्ट टू बने। कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग है, मतलब वीडियो गेम के थ्रू जो उन्होंने क्रिएट किया अच्छा लगा। तापसी पन्नू ने बहुत कमाल का काम किया है, लेकिन सेकंड हाफ में बस जो क्लाइमैक्स है वो तो बहुत ही फिजी है, मज़ा नहीं आया, होल्ड नहीं कर पाए, उनको समझ भी नहीं आया। उन्होंने फैला तो बहुत कुछ दिया हॉलीवुड की तरह ना, क्रिएट भी अच्छा किया, वन लोकेशन पर बहुत अच्छा ड्रामा है, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, एक्टिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन सेकंड हाफ में जो फ्लैशबैक ही चलता रहता है और जब क्लियर होता है तो क्यों क्या मोटिव क्या था क्या, वो क्लियर ही नहीं होता है। नहीं, मज़ा नहीं आया। एक न्यू कंसेप्ट था, मतलब वो टॉलीवुड मूवी है शायद, तो उसके हिसाब से अच्छा था, मतलब वहीं से आता है मोस्ट ऑफ द इनोवेटिव मूवी, तो वो अच्छा था। जैसे वो तीन टैटू थ्री लाइफ्स, बट द आई मीन प्लॉट होल विल बी लाइक द गर्ल डाइज वन टाइम राइट, एंड इन द सेकेंड टाइम द थ्री ऑफ द शूटर्स वन ऑफ देम डाई, सो ही वंस अगेन गॉट रिवाइव्ड एंड थ्री ऑफ देम गॉट चांस, वाइल गर्ल्स गर्ल ओनली गेट्स वन चांस, दैट्स तापसी पन्नू। So I thought they should have killed one of the shooter in the second, and in last only two should be remaining. They rather kept it three, so that was little unfair, I guess. Okay. And कहानी बांधे रखी आपको? हाँ, पूरा टाइम उसका जो उसने मुंडी काट के ऐसे ग्लास पे स्मैश किया, that was awesome. My friend there gets scared a lot. हाँ, काफी अच्छी मूवी थी, काफी सस्पेंस था, काफी थ्रिलर था इस मूवी में। Okay. Yeah. और you know concept काफ़ी एंड तक काफ़ी ग्रैस्पिंग था मूवी, और फोर स्टार्स दूंगी मैं इसको। तापसी पन्नू की एक्टिंग तो हम अच्छी है ही, पिंक वगैरह सब देखा हुआ है, तो ये एक और ऐड हो जाता है उनके करियर में। फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और उसमें सस्पेंस बहुत अच्छा था, लास्ट तक का मेंटेन किया हुआ था, और जो स्टोरी जैसा डायरेक्ट किया है वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि तापसी जी, मतलब जो बार बार उनका जो कैरेक्टर है वो लास्ट तक का कैसे ट्राई करते रहता है अपना लाइफ सेव करने के लिए, बस सीन्स अगर मैंने वो बता दिया तो आपको फिर मूवी मतलब पता चल जाएगी कैसे, क्योंकि वो फिर है, वो लास्ट में ही है, थ्रिलर है, बहुत अच्छा है, बस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है स्टोरी का, सेकेंड हाफ बहुत थ्रिलिंग है, गुड मूवी। तापसी पन्नू से जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे खरी उतरी है? हाँ ठीक है, इतना मूवी अच्छी थी, साइकोलॉजी बेस्ड मूवी थी, ओवरकम किया, और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया था, मूवी का एंड थोड़ा ठीक ठाक था, समझ में नहीं आया, मतलब सेकेंड हाफ एंड वॉज नॉट गुड, थोड़ा और अच्छा करते थे और अच्छा रहता। I don't think so. फिल्म अच्छी थी लेकिन मुझे उतनी पसंद नहीं आई क्योंकि एंड अच्छा नहीं था, एंड प्रॉपर नहीं दिखाया, तो अच्छी थी मूवी, मतलब 50%। हाँ एक्टिंग तो फुल की, बट डायरेक्शन उतना कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे, तो और एंड भी उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए ठीक था। सेकेंड हाफ ऑब्वियसली एकदम मस्त था।